नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। जय माता दी। दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ शिवखोड़ी यात्रा पे, जो कि बस कटरा से चलती है और शिवखोड़ी लेके जाएगी। एक आदमी का किराया है 250 रुपये का और मैंने ये टिकट लिया यहाँ से कोहिनूर ट्रैवल एजेंसी से, तो मेरे को विंडो सीट मिल गई है। तो जो भी अच्छे अच्छे दृश्य होंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। शिवखोड़ी बाबा के दर्शन करवाऊंगा, तो वीडियो में आपको बने रहना है और देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ भगवान की, जय श्री कृष्णा। ये नज़ारा है कटरा बस स्टैंड का, जहाँ से शिवखोड़ी, जम्मू, पठानकोट आदि के लिए बस मिलती हैं और लोकल बसें भी यहाँ से चलती हैंगी। बाकी ज़्यादातर बुकिंग यहाँ से होती है शिवखोड़ी के लिए, गुफा पे जाने के लिए। ये सभी बसें वहीं जा रही हैं और हर 5 से 10 मिनट में निकल जाती हैं। और कटरा बस स्टैंड पर ही ये सामने है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जिसमें अगर आपकी पहले से बुकिंग हो तो रहने की व्यवस्था ठीक रहेगी, अदरवाइज़ तो जगह यहाँ पर मिलनी बहुत ही मुश्किल है। रश भी काफ़ी है भक्तों का। बोलो शंकर भगवान की, शिवखोड़ी वाले बाबा की। चलो भोला के द्वार होगी पूरी मुराद, चलो भोला के द्वार होगी पूरी मुराद, आई महाशिवरात्रि। बम बम बोले रे शिव तेरी काशी है। यहाँ पर आए हैं जीतो जी बाबा जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। दूर दूर से आए कंवरिया, कंवर उठाए चले शिव की नगरिया, शिव की नगरिया। हो दूर दूर से आए कंवरिया, कंवर उठाए चले शिव की नगरिया, शिव की नगरिया। नंगे नंगे पांव आए छोड़कर अभिमान को, मन के मंदिर में बसा के शिव शंकर भगवान को, शिव शंकर भगवान को। शिव शंकर बोले गे
क्या नाम है बेटे आपका? क्या नाम है बताओ? क्या नाम है? रवि वैष्णवी। जय श्री राधे राधे। ये है चनाव नदी का नजारा। फॉग आया हुआ है सड़कों पे, कोहरा। यहाँ चनाव नदी के किनारे पर सब अपने अपने सेल्फी और वीडियो बनाते हुए। ये मिड पॉइंट है ढाबा, एक छोटा सा बना हुआ है। जब कटरा से बस चलती है शिवखोड़ी के लिए तो यहाँ पर खाने के लिए या लंच डिनर कुछ भी करना हो, चाय करनी हो, वो आप ले सकते हो। सामने की घाटी पे बहुत ही सुंदर नज़ारा हैगा, जिसको शब्दों से वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। आप खुद से आकर के देखेंगे तभी आपको यहाँ की अहमियत और सुंदरता प्रकृति की नज़र आएगी। बारिश ने मजा खराब कर दिया।
सब जगह बारिश का नहीं तो सफर और अच्छा हो जाता। बारिश ही हो रही है अब से। तब हमको मिला था अर्ध कुमारी से। अच्छा बारिश मिली थी। हाँ, अर्ध कुमारी से बारिश ही बारिश मिल रही थी। कुमारी से बारिश। मैं भैरवनाथ से जब नीचे उतर रहा था तब आई थी बारिश। सारा नीचे रास्ता उतर के आ गया 14 किलोमीटर, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। शिवखोड़ी की गुफा पे पहुंच चुके हैं और सब यहाँ पे रेनकोट पहन के जादू बन चुके हैं। बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार, झमाझम जिसे कहते हैं। ये सड़कों पे नालियाँ बह गई। यहाँ से पर्ची लेने के बाद में शिवखोड़ी बाबा गुफा की तरफ ट्रैक शुरू हो जाता है। ये शिव खोड़ी का घोड़ा स्टैंड है। एक साइड का एक सवारी का 400 रुपये हैं। सवारी को बिठा करके ऐसे घोड़े पर लेके जा रहे हैं और ये रास्ता है शिव खोड़ी गुफा की तरफ जाने का। बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारा बना हुआ है। बारिश भी ज़ोरदार हो रही है, पानी का बहाव आप देख सकते हो कितना तेज आएगा। बारिश से बचने के लिए ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर टिन शेड बने हुए हैं जिसमें रुका जा सकता है। ये है शनिदेव टेंपल, यहाँ पे आप इनके दर्शन कर लीजिए और जयकारा शनिदेव भगवान का। आज है भी शनिवार। जय हो शनिदेव भगवान की। ओम शम शनिश्चराय नमः। भोले बाबा गुफा की मार्ग की ओर का ये तीसरा पुल है जो नदी के ऊपर बना हुआ है। पहाड़ी नदियां हैं। पानी का फ्लो और ये ऊंची पर्वत श्रृंखला। चलो बुलावा आया है, भोले ने बुलाया है, बोलो जय भोले की। ऐसे जगह जगह पर वॉशरूम भी बने हुए हैं लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। ये कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए यहाँ पे एक शॉप बनाई हुई है। ये है श्री लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का भी है सामने। बोर्ड पर लिखा है शिव खोड़ी के 1 किलोमीटर यहाँ से रह गई है। ये पहाड़ी झरने पे पुल बना हुआ है।
ऐसे पहाड़ी झरने यहाँ जगह जगह मिल रहे हैं रास्ते में, और ये सुंदर ब्यूटीफुल सीन है। हर हर शंभु शंभु शंभु। फिर थोड़ी बाबा की गुफा की ओर जाते हुए जब 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया तो झमाझम बारिश आ गई है, और टिन शेड में काफ़ी श्रद्धालु जन खड़े हुए हैं। ऊपर जोरदार बादल हैं पहाड़ों के ऊपर, प्रकृति का नज़ारा आनंद लो आप भी। भोले भगवान की भी शक्ति है, सब इतनी बारिश हुई अपने दर्शनों के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और आखिरी पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं भी और सभी श्रद्धालु जन जो भी यहां पर दर्शन के लिए आए हुए हैं, इसी लाइन में आगे जाकर के लॉकर भी मिलेगा और आगे बाबा जी के दर्शन भी होंगे। तो बोलो ओम नमः शिवाय। सीढ़ियाँ चढ़ के श्रद्धालु जन ऊपर आ रहे हैं, और ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दर्शन करने के लिए। जी शिव खोड़ी की मेन गुफा, अंदर के तो दर्शन हो नहीं पाते, आप बाहर से ही सब दर्शक इसके दर्शन कर सकते हैं। तो बोलो जय भोलेनाथ की, ओम नमः शिवाय। जय हो शिव शंकर की, जय हो गणेश जी की, जय हो माँ पार्वती की, जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। शिव घोड़ी बाबा की गुफा ये वाली मेन है, इसका आज रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है कि आज यहाँ पर पत्थर गिरे हैं, इस वजह से इस मुख्य मार्ग से श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया जा रहा। आज ये नीचे वाला रास्ता खोला गया है, पहले क्लॉक रूम आएगा उसके बाद में रास्ता है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गुफा तक जाने के लिए। दर्शन कर लिए हैं जी, दर्शन पूरी गुफा के बहुत अच्छे से हो गए, अब वापसी जा रहे हैं नीचे अपनी बस जहाँ पे खड़ी है बैठने के लिए। जय भोलेनाथ की। तो जी शिव खोड़ी गुफा की मेरी यात्रा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और ये चेकिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया है जो मेन मुख्य द्वार है, यहीं से चेकिंग होने के बाद में जाते हैं। इसी के पास ये छोटी सी मार्केट प्रसाद आदि सामान लेने के लिए लगी हुई है, और कुछ ढाबे भी हैं वो आपके यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं।
ये कुछ फूड स्टॉल लगे हुए हैं। हर घर तिरंगा। शिव की पूजा, शिव की पूजा।
हो बेल पाती भंग और धतूरा तू चढ़ाए कर शिव की पूजा।